यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। नमस्कार विजय बहादुर जी, आपने स्वनिधि योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है? जी, पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये लेकर के कारोबार में लगाए हैं। इसमें लैया चना मूंगफली मटर सब ला करके डौढ़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं, एक हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। और लखनऊ में तो ये लैया चना वैसे भी बहुत फेमस है, तो बिकता भी खूब है। आपके यहाँ भी भीड़ लगती होगी शाम को? जी, यहाँ मार्केट भी है और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं सर। तो लैया चना के लिए कुछ लोगों तो बड़े आदी होंगे, डेली लैया चना खाते होंगे। लैया चना ही शाम के समय लैया चना ही ये नई पीढ़ी के बच्चे खाते हैं क्या? जी जी, पक्का? बहुत अच्छा लगता है। वरना नई पीढ़ी के बच्चों को तो थोड़ा बाहर का खाने का अब शौक हो गया है। नहीं, ज्यादातर चने नहीं खाते हैं, जो नए उम्र के बच्चे हैं तो उनको लैया चना मूंगफली मिला करके देते हैं, तो बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अन्य गरीब परिवारों को भी इन योजना का लाभ मिला है कि बस आप जैसे कुछ इन्हें गिने लोगों को ही मिला है? नहीं नहीं सर, जितने हमारे चौक एरिया में, चौक हो गया, हुसैनाबाद हो गया, जितने हमारे नॉलेज में है, जब से पेपर में हमारा नाम आ रहा है तब से लोग कह रहे भैया हमारी तरफ से भी बोल दिया, हमारे भी खाते में पैसे आ गए, हमने भी अपना कारोबार चालू कर लिया है। अच्छा, तो हमारी तरफ से धन्यवाद बोल लीजिएगा माननीय नरेंद्र मोदी से। चलिए, आपने उनकी खबर पहुंचाई तो मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी दे दीजिए। आप बोलिए, मोदी जी ने आपको बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बहुत हर एक का धंधा फले फूले और परिवार में बच्चे पढ़े और सब आगे जाएं, ये मेरी तरफ से उनको जरूर कह देना। जी जी, और आपने बहुत सराहनीय काम किया है कोरोना के समय में, जो कि भारत में ऐसा संकट आया हुआ था, जो फुटपाथ पे हम लोग दुकान लगाते थे, तो जब कोरोना काल आया तो यहाँ तो 22 तारीख से लॉकडाउन होना था, यहाँ 20 तारीख से ही लखनऊ में बंद हो गया था। तो ये हुआ कि चलो 23 तारीख से मार्केट खुल जाएगी तो हम लोग फिर दुकान लगा लेंगे, तो ऐसा हुआ फिर एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया। तो लोगों के लिए संकट की घड़ी थी उस समय, तो आपने सबको राशन भी वितरण कराए और खाने का पैकेट भी नगर निगम द्वारा मिला, बहुत आराम रहा लोगों को। अब काम जब शुरू हो गया है तो मुझे ऐसा तो पूछना तो नहीं चाहिए, कोई मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूं, ऐसे ही जानने के लिए पूछ रहा हूं कि कितने रुपए की आमदनी हो जाती है? हमारा तो 250 रुपए इस समय कमा लेते हैं सर। अच्छा, चलिए एक अच्छी बात है। और विजय बहादुर जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी और आपके परिवार की इस मदद से खूब उन्नति होगी। क्वालिटी पर जिस तरह से आप ध्यान देने की बात कर रहे हैं और थोक में सामान लाकर के सप्ताह भर अनेक प्रकार से आपके व्यवसाय में आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी ला रहे हैं। देखिए, हाथ में पैसा होता है तो गरीब आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी कैसे अपनी चीजों को बदलता है, ये आपने दिखाया है मुझे। और इसलिए मैं आपकी इस कौशल्य को तो बहुत बधाई देता हूं और आपकी कमाई बहुत बढ़े, आपकी ऐसी बड़ी दुकान भी लग जाए और आपका नाम रोशन हो जाए, आपके ब्रांड बन जाए, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भैया।